हेलो गाइस, अगर आप लोगों के पास गूगल प्ले स्टोर के अंदर बैलेंस है तो आप लोग उसे बैंक अकाउंट के अंदर कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे आपकी कोई भी बैंक हो। दोस्तों आप लोग 100% गाइस यहां पर जो अपना अकाउंट है, मतलब अकाउंट के अंदर जो बैलेंस है, आप उसे मतलब गूगल प्ले स्टोर से लेके बैंक अकाउंट तक जाने का प्रोसेस बताऊंगा। एंड गाइस उसके अंदर भाई आपको सब कुछ लाइव और एकदम ऑफिशियल तरीका बताने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप नहीं करना। पर मेरे पास यहां पर अभी ये 41 रुपीज है एंड इसको मैं विड्रॉ करके दिखाने वाला हूं, तो लेट्स गो। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर आपके गूगल प्ले स्टोर के अंदर गाइस यहां पर जो बैलेंस पड़ा हुआ है, चाहे कितना भी बैलेंस है, एंड दोस्तों 30% का चार्जेस लग के एंड आपका जो भी अमाउंट है वो 3 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर पहुंच जाएगा। मैं आपको प्रूफ देने वाला हूं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर 31 रुपीज को ट्रांसफर करने वाला हूँ। एंड आप लोगों को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले इंस्टॉल करना है रूटर। अभी कुछ लोग बोलेंगे भाई रूटर ऐप के अंदर ये ऑप्शन कहाँ से आ गया, तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोग कैसे रूटर के थ्रू गूगल प्ले स्टोर का जो बैलेंस है उसको ट्रांसफ़र कर पाएंगे। एंड दोस्तों आपको देखिए क्या करना है, सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, एंड आपको रूटर को डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आपको आ जाना दोस्तों यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के ऊपर, एंड ठीक है, और आपको जो यहाँ पर बाय डायमंड्स का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, एंड यहाँ से आप लोगों को डायमंड्स को बाय कर लेना है। तो चलिए अभी मेरे पास यहाँ पर गाइस कितना रुपया, यहाँ पर कह रहा है कि अभी मेरे पास डायमंड्स नहीं है, ठीक है, और उसके अंदर मेरे पास कितना रुपया था, 41 रुपीज, ठीक है, 41 रुपीज था। चलिए मैं 10 वाले को बाई कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और गूगल प्ले स्टोर से इसकी जो पेमेंट है उसको मैं कर दूंगा, ठीक है, आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। एंड मैंने यहाँ पर जो 41 रुपीज में से दोस्तों 10 रुपये की जो पेमेंट है वो कर दी है। एंड अभी मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ से 20 रुपये ट्रांसफर करके दिखाता हूँ। अभी कुछ लोग बोलेंगे क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर डन हो गया। एंड मैं रिटर्न से फिर से एक बार बाई कर लेता हूँ। आप लोग देखो मेरे पास 41 रुपीज़ है इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, वैसे मैं यहाँ से 50 वाला तुरंत बाई कर लेता, लेकिन भाई मेरे पास वहाँ पर 41 रुपीज़ है इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसीलिए भाई यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से रिटर्न से बाई कर चुका हूँ, एंड क्योंकि मैं वहाँ पर टोटली जो अमाउंट है उसको विड्रॉ करने वाला हूँ, और मैं अभी थोड़ा बिजी एम आई पे एक्टिवेट थोड़ा सा हूँ, मतलब बोले तो गाइस थोड़ा सा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बर्बाद नहीं कर रहा। चलिए मैं 30 रुपीज़ विड्रॉ कर लूँ क्या, कुछ लोग बोलेंगे भाई ये क्या किए जा रहा है, तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर से अभी विड्रॉ कर रहा हूँ, मैं आपको सब कुछ लाइव दिखाता हूँ। एंड मैंने यहाँ से जो पेमेंट थी वो 30 रुपीज़ की जो पेमेंट है एंड उसको कम्प्लीट कर दी है। अभी कुछ लोग बोलेंगे भाई ये कैसे क्या होगा, ठीक है, तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब आपको क्या करना है, रूटर एप्लीकेशंस का एक अकाउंट और क्रिएट करना है, वो किसी और मोबाइल के अंदर, आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, जिसका भी मोबाइल हो। एंड आप लोगों को क्या करना है, या फिर वो हो सकता है कि वो, अगर आप मेरी वीडियो देखें तो रूटर की मेरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर वीडियो हैं, एंड हो सकता है कि आपके पास, आपके फ्रेंड्स के पास, उसके पास भी रूटर हो, मतलब सेकंड डिवाइस के अंदर भी रूटर को इंस्टॉल कर लेना है। एंड उसके बाद में आपको क्या करना, अभी मेरे पास डायमंड्स हो गया दोस्तों 300 एंड मैंने गूगल प्ले स्टोर से बाय किया। चलिए मैं यहाँ पर अभी प्ले स्टोर पर आ जाता हूँ, तो यहाँ पर क्या रहा है, 41 रुपीज़ दिखा रहा है, मैं यहाँ पर क्लिक करके रिटर्न से क्लिक कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर ओनली 11 रुपीज़ बचा, क्योंकि 30 रुपीज़ मेरा कट चुका है। अभी आप लोगों को क्या करना है, एंड यहाँ पर इसको कर देना है साइड में, एंड उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज आपको क्या करना है, एंड सेकंड वाले मोबाइल्स के अंदर भी रूटर को ओपन करना है। आप कुछ लोग बोलेंगे भाई ये क्या नया ड्रामा लगा के रखा है, हाँ गाइज, तो यार मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। अभी ये वाला अगर मेरा फ़ोन बंद हो गया, अगर मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर इसका टाइमर थोड़ा बढ़ा देता हूँ, एंड उसके बाद में बताता हूँ, मैं डिस्प्ले पर जाऊँगा, डिस्प्ले पर जाने के बाद में, एंड स्लिप टाइम कहाँ भाई इसका, ठीक है, स्लिप टाइम कहाँ गया, स्क्रीन कलर, फोन, स्टेटस बार, अबे यार कहाँ गया भाई इसका स्लिप टाइम कहाँ गया भाई, तो यही है कि स्क्रीन टाइम आउट 15 सेकंड, तो उसको मैं 10 मिनट कर देता हूँ, ठीक है। और अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर अभी इसके ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है, तो अबे ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले गाइस यहाँ पर आना, रूटर को ओपन करना है सेकंड वाले डिवाइस के अंदर, ठीक है, क्योंकि तभी आप लोग रिडीम कर पाएंगे। अभी इसके अंदर गाइस क्या है, मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ। अभी मेरे पास अभी यहाँ पर पैसे ऑलरेडी 225 डायमंड पड़े हुए हैं, और जो कि मैंने ट्राई करके देखा था। तो हमें क्या करना है, सेकंड वाले डिवाइस के अंदर आके हमें अपने यहाँ पर इसके ऊपर आ जाना है, चलिए प्ले वाले ऑप्शन पे आ जाना है, और यहाँ से हमें यहाँ पर लाइव स्ट्रीम, चाहे गेमिंग की करो या फिर IRL जो ऑप्शन है, एंड इसका कर लो, ठीक है, आप किसी की भी स्ट्रीम को स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं अभी स्ट्रीमिंग पे तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि दोस्तों मुझे स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करना है, तो मैं IRL पे जाऊँगा, जिससे कि मेरी फेस कैम स्ट्रीम होगी, ठीक है, तो मैं इस पर चला जाता हूँ। अभी मैं जैसे जाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पर अपनी थंबनेल वंबनेल जो भी सिलेक्ट करना है कर दो, वरना नहीं करना है, बस आपको आगे बढ़ जाना है एंड यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर परमिशन मांग रहा है भाई, ठीक है, तो चलिए अभी चलो मेरे दूसरे फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है आवाज़, तो आ जाएगा, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ एंड इस पर क्लिक कर देता हूँ।
अभी मैंने जैसे ही क्लिक किया नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं बैक कैमरा कर देता हूँ। बैक कैमरा करने के बाद में एंड में इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो हमें स्ट्रीम को स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अभी थोड़ा माइक का कुछ इशू दिखा रहा है, चलिए रिटर्न से करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं माइक और कैमरे को मैंने बंद कर दिया। ठीक है, तो अभी माइक और कैमरे को मैंने बंद कर दिया और यहाँ पर जो स्ट्रीम है मेरी वो स्टार्ट हो चुकी है। अभी मुझे ये नहीं मालूम दोस्तों आपको ये सब कुछ दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा, मैं स्क्रीनशॉट लेके देखता हूँ। तो हाँ दोस्तों, आपको ये सब कुछ दिख रहा है, स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देना। आप लोगों को अभी क्या करना है, सेकंड वाले डिवाइस के अंदर आना है। ठीक है, जो सेकंड डिवाइस था जिसमें आपने डायमंड्स बाय किया था उसके रूटर में आना है। एंड रूटर में आने के बाद में दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ, अपने इस अकाउंट को सर्च करूँगा। आप लोगों को सर्च बार में जाना है, अपने अकाउंट को सर्च करना, चाहे आईडी डाल के सर्च करो, कुछ भी करो। चलिए मैं अपना सर्च कर लेता हूँ और मेरे दोनों अकाउंट सेम है। तो यहाँ पर कह रहा है बाइच लाइव जो हिंदुस्तानी दोस्त दिखा रहा है फॉलोविंग, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मैंने खुद को फॉलो कर रखा है सेकंड डिवाइस से भी। ठीक है, और मेरे दोनों अकाउंट सेम ही लगेंगे, दोनों पर 2700 फॉलोवर्स हैं। तो आप लोग ये मत बोलना कि आपने कोई स्कैम किया है, ठीक है, क्योंकि मेरे अकाउंट दोनों सेम है। ओके, तो मैं यहाँ पर बाइच लाइव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो हमारी स्ट्रीम है वो स्टार्ट हो चुकी है। मैं कट कर देता हूँ। एंड हमें क्या करना है, टॉप डोनर जो ऑप्शन है ना, आप लोग भाई इसका ये कहाँ, ये वाला जो ऑप्शन है, ये गिफ्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है। एंड ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरी स्ट्रीम स्टार्ट हो चुकी है। मैं टॉप डोनर पे क्लिक करता हूँ और डोनेट नाउ का जो ऑप्शन आ रहा है नीचे की साइड में दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अभी जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कह रहा है कि स्टिकर मैजिक, तो चलिए दोस्तों मैं गिव स्टिकर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ से दोस्तों मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 200 को यहाँ पर जो 200 डायमंड्स है, 200 वाला कुछ ऑप्शन है क्या इसके अंदर, मैं 200 डायमंड्स एक बार में भेज देता हूँ। 100 हो गया, ठीक है, चलिए 100 करके भी, ये 200 वाला है। एंड 300 वाला नहीं मिल जाएगा क्या? अभी कुछ लोग बोलेंगे भाई क्या ही बात कर रहा है भाई, 200 वाला बोल रहा, 200 मिल गया 300। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर 200 वाला का यहाँ पर डिंग गेमिंग इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। मैंने जैसे ही किया तो आप देखेंगे दोस्तों सेकंड वाले अकाउंट पे यहाँ पर अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, किसी और को तो नहीं भेज दिया मैंने। चलिए दोस्तों सही भेजा। टॉप डोनर पे मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ, ये बोल रहा है कि आपने 200 डायमंड्स को गिव अवे कर दिया। अभी मैं 100 डायमंड और भी गिव अवे कर देता हूँ और मैंने यहाँ पर 100 डायमंड फिर भी गिव अवे कर दिया। मैंने जैसा कि शुरू में बोला 30% का चार्ज लगेगा, 70% आपको मिल जाएगा। अब ये हो गया, ठीक है, और मैं अब क्या करता हूँ इसको भाई यहाँ से कट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग खुद ही देख सकते हो, और इसके अंदर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 0 मेरा डायमंड्स हो चुका है। क्यों? क्योंकि भाई मैं 300 डायमंड्स अपने दूसरे अकाउंट पे भेज चुका हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, इस वाले अकाउंट के अंदर स्ट्रीमिंग को ऑफ कर दूंगा। मैंने जैसे स्ट्रीमिंग को ऑफ किया, ठीक है, अभी भाई इसके अंदर 3 मिनट में कैसे हो गया, ठीक है, तो अभी यार मेरा कोई वीडियो को स्किप तो नहीं हो गया था, ठीक है, कि अब तक ये सब कुछ ना देखने को मिला हो, बट ऐसा नहीं है। आप लोगों को सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल गया होगा, लेकिन मुझे ऐसा थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। बट दिक्कत क्यों लग रहा है, एक बार मैं वीडियो को चेक कर लेता हूँ रोक के। तो गाइज अभी यार इसके अंदर क्या ही दिक्कत दिखा रहा है यार ये सब कुछ। ठीक है भाई, दूसरे फोन के अंदर मेरा लॉगिंग है, ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि डोनेट नाउ हिंदुस्तानी दोस्त, क्योंकि मैंने सेकंड अकाउंट से भेजा। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और इस वाले स्ट्रीमिंग को गाइज रोक दूंगा मैं, इस वाले के ऊपर क्लिक करके और एंड स्ट्रीमिंग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो आप लोग देखेंगे मेरी स्ट्रीमिंग है वो एंड हो चुकी है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि 200 कुछ डायमंड था, मैं इसके ऊपर आता हूँ, देखो यहाँ पर 435 डायमंड हो चुका है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मुझे यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर 200 सेंड किया था एंड उसका 140 डायमंड मुझे मिला है अभी, और 100 से शेयर किया था, वहाँ से 300 शेयर किया ना मैंने, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर जो टोटली अमाउंट है वो भाई यहाँ पर 70% के हिसाब से यहाँ पर मिल चुका है। अभी ये वाला डायमंड देखो यहाँ पर विड्रोवल में आ जाएगा, एंड कुछ डायमंड्स जो 140 और एक और यहाँ पर 70 एंड जो भी यहाँ पर 210 डायमंड तकरीबन हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, और यहाँ से जो भी विड्रोवल अमाउंट है वो, जो कि कुछ लोग तो भाई जो मैं खुद से बाई करता हूँ उसको तो मैं विड्रो नहीं कर सकता। एंड अभी मैं रिडीम नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कन्वर्ट ओवर मनी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपना एक UPI ID लेके आना पड़े। ओके गाइस, तो अभी मैं रूटर के अंदर रिटर्न से आ चुका हूँ और UPI ID कॉपी कर दूँ। यहाँ पर कर कन्वर्ट ओवर डायमंड टू मनी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर अपना जो अमाउंट है टोटली डाल देता हूँ। जैसे कि हो गया 350, ठीक है, 350 का 35 रुपये बन रहा है। एंड अभी देखो मैंने आपसे बोला था कि कुछ अमाउंट जो है, मतलब जो भी कुछ अमाउंट है उसका 30% लगेगा, और कुछ अमाउंट मेरी में पहले से था, ठीक है, कुछ लोग ये मत बोला, और मैं सिर्फ 30 रुपये मैंने उस वाले अकाउंट से सेंड किए थे सेकंड वाले डिवाइस से, ठीक है। कुछ लोग ये मत बोलने लग जाना कि भाई आपके अमाउंट तो 30% मतलब 30% का चार्ज लग रहा था, लेकिन यहाँ तो एक्स्ट्रा मिल रहा, तो मेरा अमाउंट कुछ था। अगर आपने नहीं देखा वीडियो को बैक करके देख लेना। एंड इंटर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, टाइप अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा, एंड आप लोग UPI के अंदर या फिर बैंक अकाउंट के अंदर ले सकते हैं, लेकिन मैंने बोला था 3 दिन में मिलेगा, तो आपको UPI सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर UPI ID पेस्ट कर देना है।
जैसे यू पी आई डाला मैं रिडीम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर हमारी जो रिक्वेस्ट है वो लग चुकी है। मतलब दोस्तों 3 दिन के अंदर आपका जो अमाउंट है वो आपके यू पी आई पे चला जाएगा। क्यों अब भी सब्सक्राइब नहीं मारोगे क्या? तो आई होप कि यार ये वीडियो समझ में आ गई होगी और मुझे कमेंट्स करके बताओ ये वीडियो कैसी लगी। 100% वर्किंग और ट्रस्टेड तरीका है, कोई फेक नहीं है। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन करो और मुझे कमेंट्स करके बताओ ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ भाई, प्राइवेट में भी आप स्ट्रीम कर सकते हैं, सॉरी प्राइवेट में तो नहीं करना है, एंड बस आपको सेकंड डिवाइस में स्ट्रीम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है? आप लोग इजीली कर लो। अगर आपके फ्रेंड्स मित्र फ्रेंड्स जहाँ पर भी मतलब किसी के पास भी रूटर है उसको भेज दो, उसको बोल भाई मेरा यू पी आई आई डी ले और मेरे पे सेंड कर दे।